शिमला जिला के रामपुर उपमंडल अंतर्गत बधाल पंचायत मुख्यालय में पोषण दिवस के अवसर पर पहाड़ी एवं पारंपरिक फसलों से बने व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें इन व्यंजनों की पौष्टिकता के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कितने कारगर है बताया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश ICDS रामपुर के सौजन्य से लगाए गए इस शिविर में आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर व महिला मंडलों की महिलाएं शामिल हुईं। उन्हें पारंपरिक पहाड़ी अनाज से बने विभिन्न व्यंजनों की जानकारी दी गई और बताया गया कि अधिकतर फसलें ऐसी हैं जो औषधीय गुणों से भी भरपूर हैं। महिलाओं ने इस दौरान प्रतिज्ञा भी ली कि इस कोरोना काल में आम दूर दराज लोगों तक सजगता लाने के लिए पर्यटन करेंगे और पारंपरिक व्यंजनों को अधिक महत्व देंगे। लोगों को बताया जाएगा कि वे बाजारों जंक फूड को त्याग घरेलू उत्पादों को इस्तेमाल करें, इससे लोग निरोग व स्वस्थ रहेंगे। वहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी ताकि लोग कोरोना महामारी के इस दौर में स्वस्थ रह सकें। प्रदर्शनी आयोजक एवं पर्यवेक्षक ज्वाला देवी ने बताया कि पोषण दिवस मनाया जा रहा है, इसमें आसपास के गांव से आई महिलाओं को सजग किया गया। उन्हें बताया कि कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए बाहरी खान पान का इस्तेमाल कम करें, अपनी फसलों से बने पकवानों को ही तवज्जो दें, गांव में लोगों को कोरोना से बचाव के टिप्स दें। महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश बाल विकास परियोजना रामपुर के तहत वृत्त ज्यूरी में पोषण दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न गांव से आई हुई महिलाओं को पोषण के बारे में जागरूक किया गया। महिलाओं को बताया गया कि आजकल कोरोना महामारी के होते हुए कोरोना बहुत फैल रहा है, तो उसके बचाव के लिए गांव की महिलाओं को बताया गया कि बाहर की चीज़ों को नहीं लेना है। गांव में जो हमारे लोकल फूड है, नेचुरल फूड है, उनको ज़्यादा लें, बाहर की चीज़ों को कम लें। इसीलिए महिलाओं को बताया गया है कि बाहर नहीं जाना है और अपना ध्यान रखना है, मास्क का यूज़ करना है, सैनिटाइजर का यूज़ करना है और बाहर की चीज़ों को कम लेना है, क्योंकि बाहर की चीज़ों में केमिकल ज़्यादा होता है। जो हमारे गाँव में जो लोकल फूड होते हैं उसमें केमिकल कम होता है, वो नेचुरल चीज़ होते हैं, उसमें आयरन कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा लें। महिला मंडल नैनी की सचिव शारदा ने बताया कि हमने लोकल अनाज के पकवान बनाए और लोगों को बताया कि किस व्यंजन में कौन से औषधीय गुण हैं और किस बीमारी के लिए लाभप्रद हैं। कोरोना से बचने के लिए बाजारों जंक फूड का इस्तेमाल ना करें, बेवजह बाहर ना निकलें। मेरा नाम शारदा है, मैं ग्राम पंचायत बदाल वार्ड नंबर 5 महिला मंडल से बिलोंग करती हूँ। आज हमने बदाल पंचायत में पोषाहार दिवस मनाया, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स व महिला मंडलों ने मिलकर जो हमारे जो अपने लोकल अनाज उसके से जो पकवान बनाए थे उसके उस वो हमने यहाँ पर बना के दिखाए और उसके बारे में जो हमने जो जो चीज़ें हमने बनाई थी उससे ये होता है कि वही वो हर चीज़ में मतलब बीमारियों में वो काम आते, जैसे कोई फाफड़े के चिल्टू बनाए थे जो BP के काम आते हैं, करेले शुगर के काम आते हैं, जैसे भी कोई भी हमने ड्राई फ्रूट्स लाए थे वो दिमाग बच्चों के उसके के लिए भी बहुत फायदा, विटामिन बहुत मिलते हैं उसमें। तो आजकल कोरोना काल में जो हम बाहर से चीज़ें लाते हैं उसमें खतरा रहता है कि कोरोना ना आ जाए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये किया जाए कि जो हमारे घर में बनी होती चीज़ें, जैसे घर में हमारे जो फ्रूट्स होते हैं, घर में हमारी साग सब्जी होती है, बाजार से लाने की अपेक्षा हम ज़्यादा उनको यूज़ करें, जिससे हम इस महामारी से बच सकते हैं। और जैसे हम बाहर से आते हैं, जैसे हम ज़्यादातर बाहर तो इस काम हो तभी बाहर जाएँ, फालतू में घूमने बाहर ना जाएँ। बाहर जाते समय हमें मास्क का यूज़ ज़रूर करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमें पालन करना बहुत ज़रूरी है, इससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। बाकी जो हमारे पास आते समय हम सीधे अपने घरों में कमरों में ना जाते हुए पहले हम बाथरूम। नीलम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि हमने बदाल में पोषण दिवस मनाया, इस दौरान लोगों को पारंपरिक व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाकर बताया कि क्यों न लोग बाजारों खाद्यान्नों से हटकर अपने पारंपरिक फसलों से बने व्यंजनों को प्रयोग करें, इसमें पोषक तत्व अधिक होने के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक रहती है। नीलम सर्कल ज्यूरी प्रोजेक्ट रामपुर से हूँ और आज हमने यहाँ पे ग्राम पंचायत बदहाल में पोषण दिवस मनाया है। जैसे कि ये पोषण माह चला हुआ है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक, तो हमने आज यहाँ पर अपनी जो पारंपरिक व्यंजन है उनको हमने डिस्प्ले किया। उसमें हमने गांव की महिलाओं को बताया कि हम क्यों ना अपने जो हमारे पारंपरिक फूड है उनको ही ज़्यादा प्रेफर करें, इसके बदले कि हम बाज़ार से कोई
चीज़ें ला रहे हैं, क्योंकि जो हमारे जो लोकल फूड्स है उसके न्यूट्रिएंट्स को अगर हम एज़ कम्पेयर टू जो हम बाज़ार से ला रहे हैं उसको कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा हमारे जो लोकल फूड्स है उसमें विटामिन्स मिनरल्स जो भी है वो सब कुछ बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और जैसे कि आजकल कोरोना काल चल रहा है तो हमने बताया सब लोगों को कि हमने उससे बचाव कैसे करना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, बार बार अपने हाथों को साफ करना है, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट कि हमको मास्क का प्रयोग करना है। प्रेम कुमारी ने बताया कि पंचायत मुख्यालय बधाल में पारंपरिक व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई थी ताकि ग्रामीण लोगों तक संदेश पहुंचाए कि इस कोरोना काल में पारंपरिक व्यंजनों को महत्व देना है, क्योंकि इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, इनमें पौष्टिकता और औषधीय गुण होते हैं। इस दौरान शपथ भी दिलाई कि दैनिक भोजन में पारंपरिक उत्पादों से बने व्यंजनों को लें। सर्कल जीवरी प्रोजेक्ट रामपुर से हूँ। आज पोषण माह के अंतर्गत हमने ग्राम पंचायत बधाल में पोषण दिवस मनाया, जिसके अंतर्गत हमने पारंपरिक व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई ताकि हम गांव में जन जन तक संदेश पहुंचा सके कि हमको आजकल खासकर कोरोना काल में किस तरह अपने पारंपरिक व्यंजनों को महत्व देना है। बाहर का जंक फूड और चाइनीज खाने को हमने अवॉइड करना है और अपने घर के स्थानीय भोजन को महत्व देना है, क्योंकि इनमें पौष्टिक तत्व कूट कूट कर भरे होते हैं। ये हर बीमारी के लिए फायदेमंद होते हैं। आजकल समय के साथ हम इन व्यंजनों की महत्वता को भूल चुके हैं और हमने इनको शपथ भी दिलाई इसके साथ ही कि पारंपरिक व्यंजनों का रोज इस्तेमाल करेंगे अपने दैनिक भोजन में भी। और साथ ही हमने गांव वालों को ये संदेश पहुंचाया कि कोरोना से इस वक्त कैसे निपटना है और कैसे अपना बचाव करना है, स्वास्थ्य के प्रति अपना व्यवहार को बदलें, भोजन के प्रति अपना व्यवहार बदलें, पौष्टिक व्यंजन खाएं और स्वास्थ्य के हर प्रकार के सुरक्षा तरीकों को अपनाएं।